वहीं ग्वालियर चंबल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने श्री गणेश कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर उपचुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया। एक ही मंच पर सभी दिग्गज खड़े रहे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री जयभान सिंह ने उपचुनाव का डंका बजाया। रैली को संबोधित करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा और आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि भ्रष्टाचार की नदी गली गली में इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ाने का काम किया। विकास और प्रगति का काम तो भूल जाओ, मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बार नहीं देखा। हाँ, एक चीज में मैं मानता हूं, कमलनाथ जी मोदी जी से आगे थे। मोदी जी ने तो लॉकडाउन करवाया था कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने मोदी जी के 15 महीने पहले से ही वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन करा दिया। कि मेरी दिल की मंशा एक ही है, विकास की और प्रगति की और गरीबों की उन्नति की। और जिस कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, एक मुख्यमंत्री नहीं, वहां से दो मुख्यमंत्री थे, एक आगे था एक पीछे था। मैं उस सिंधिया परिवार से हूं जिसने अपने आप के बारे में कभी फिक्र नहीं किया, लेकिन जनता के मान और सम्मान में अगर कमी आई तो झंडा और डंडा उठाकर सड़क पे उतरने का काम किया है। मैं स्मरण देना चाहता हूं मेरी दादी का, पूर्व राजपत्र साहब का, जब बीपी मिश्रा जी की सरकार थी, मेरे पूज्य पिताजी का, जब मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस स्थापित किया था। हम जनता के सिपाही हैं और जनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं।